हेलो गाइज, एनसी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड और एमआईसीआर नंबर एवं स्विफ्ट कोड किस तरह से निकालेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आईएफएससी कोड के बारे में पता कर लेते हैं कि क्या चीज इसका मतलब होता है। आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काम आता है, ठीक है। जैसे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप लोग पैसा भेजते हैं या फोन पे के थ्रू किसी भी थ्रू से आप पैसा भेजते हैं, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डालते हैं, उसके बाद वो आईएफएससी कोड मांगता है। ये तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हो गया आईएफएससी कोड। सेकंड में क्या है, एमआईसीआर नंबर। एमआईसीआर नंबर के बारे में कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, जो कि चेक के थ्रू होता है। मान लिया जाए कि किसी को आप 10,000 या 5,000 रुपया या 1,00,000 रुपया, जितने भी रुपया आप ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या करते हैं, चेकबुक पे पेमेंट लिख देते हैं और साइन करके दे देते हैं। तो उसमें जो 9 डिजिट का जो एमसीआर नंबर होता है, इसी डिजिट से अदर बैंक वाले पहचानते हैं कि ये इस बैंक का आया है और इस ब्रांच का है और इस बंदे का है, ठीक है। वो 9 डिजिट रहता है, 33 डिजिट नंबर का रहता है, जो कि तीनों ब्रांच, बैंक और किस बंदे का एक ये चेक है, वो तीनों से पता चल जाता है, ठीक है। और एमआईसीआर नंबर का पूरा नाम क्या होता है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। एम से होता है मैग्नेटिक, आई से हो गया इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर CHARSCTR कैरेक्टर, आर से होता है रिकॉग्निशन कोड, जो कि ये टोटल 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का, ये टोटल 9 डिजिट का होता है, ठीक है, 9 डिजिट का होता है। थर्ड में आपको स्विफ्ट कोड मिलेगा। देखिए स्विफ्ट कोड की क्या जरूरत होता है, स्विफ्ट कोड होता है इंटरनेशनल करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। अगर मान लिया जाए आप लोग अमेरिका, लंदन किसी भी देश गए हैं कमाने के लिए, या दुबई, वहाँ का जो करेंसी होता है आप अपने इंडिया भेज रहे हैं, वहाँ वो चीज़ भेजने के लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी से भी कमा रहे हैं तो आपको डॉलर वहाँ पे मिलता होगा, तो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ता है। तो स्विफ्ट कोड का मतलब क्या होता है और ये चीज़ कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। एस से हो जाता है सोसाइटी, एस से होता है सोसाइटी, और डब्ल्यू से हो गया वर्ल्ड वाइड, क्योंकि वर्ल्ड का है ना, वर्ल्ड वाइड, और आई से हो जाता है इंटर बैंक वर्ल्ड वाइड। एफ से हो गया फाइनेंशियल, और टी से हो गया टेलीकम्युनिकेशन कोड, ठीक है। ये जो होता है टोटल 8 से लेकर के 12 डिजिट के बीच होता है। कितने डिजिट का बीच होता है, 12 डिजिट के बीच होता है, ठीक है। तो चलिए आज मैं बता देता हूँ आपको कि ये तीनों कोड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये स्विफ्ट कोड का मतलब तो समझ गए, इंटरनेशनल करेंसी के लिए हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आईएफएससी कोड और एमआईसीआर नंबर आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन का जो प्ले स्टोर ओपन करना है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है क्या, ऑल इंडियन बैंक आईएफएससी कोड, ठीक है। जैसे ही सर्च करें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहले ऑप्शन पे आ गया है, जिससे एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग में इंस्टॉल दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया इसलिए यहाँ पे ओपन दिख रहा है, आप लोग इंस्टॉल करके ओपन कर दें, ठीक है। चलिए ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बैंक आपको दिख जाएगा, इंडिया में जितने भी बैंक है सारा चीज यहाँ पे दिख जाएगा, आपका जो भी बैंक है यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया मेरा है, तो यहाँ पे हम बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट पूछेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा बिहार है तो बिहार हम सिलेक्ट करते हैं, आप लोग का जो भी है सिलेक्ट कर ले, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना बैंक का ब्रांच डालना है। आपके पासबुक में ब्रांच नेम लिखा होगा, आप लोग क्या करें उस ब्रांच नेम यहाँ पे जितने भी ब्रांच दिया गया इसमें सर्च कर लें, नहीं तो यहाँ पे ऊपर में दिखने के सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे दिख करके सर्च करें, ठीक है। मेरा यहाँ पे गोगरी जमालपुर है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही गोगरी जमालपुर यहाँ पे सर्च किए, देखिए मेरा यहाँ पे गोगरी जमालपुर आ गया, इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का पूरा डिटेल आ गया है, ठीक है। बैंक नेम, बैंक का एड्रेस, उसके बाद आप देख सकते हैं आईएफएससी कोड और एमआईसीआर नंबर। आपको देखिए कितना आसानी से, मतलब 2 मिनट भी टाइम नहीं लगा, आईएफएससी कोड और एमआईसीआर नंबर आपको मिल गया, ठीक है।
चलिए आप देखिए सिप कोड कैसे आपको मिलेगा। सिप कोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप डायरेक्ट अपने बैंक से कंसल्ट करें, ठीक है। बैंक जाएं, वहां के बैंक मैनेजर को बोले कि हमें सिप कोड की जरूरत है, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम देंगे या उस समय भी दे सकते हैं, अगर उस समय बिजी है तो वो शाम में बुलाएंगे और आपको ये सिप कोड दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।